हे एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फूड तड़का व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी फूड तड़का में ये समोसा, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है समोसा। तो चलिए देखते हैं ये समोसा कैसे बनाते हैं। एक मिनट, ये रेसिपी है ना मिनाज रावल की है। मिनाज रावल मेरी मुमानी है, उनकी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं ये उनने कैसे बनाए हैं। लेट्स गो। तो समोसा बनाने के लिए हमें इतना ही सामान लगता है। ये वेज और नॉन वेज दोनों का कॉम्बो बनाया गया, दोनों को मिक्स करके हमने समोसा बनाया है। तो जैसे कि मैंने ये ले लिया है चिकन, हाफ के जी बॉइनलेस चिकन है ये, जिसे बॉईल करके ऐसे कर लिए इसके चिकन के छोटे छोटे। ये है पत्ता गोभी, ये हाफ पत्ता गोभी है जिसे हमने ऐसे चॉप कर लिया है, पतला पतला काट लिया है। ये तीन शिमला मिर्ची है जिसे भी हमने ऐसा चॉप कर लिया है छोटा छोटा सा। ये गाजर है जिसे भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये फरस भी है, इसे भी हमने छोटा चॉप कर लिया है। और ये है प्याज की जो भाजी आती है वो है ये, जिसका प्याज हमने नहीं लिया है, सिर्फ भाजी ले ली है जिसे भी हमने छोटा चॉप कर लिया है। और ये दो आलू है जिसे बॉइल करके हमने इसे छोटा छोटा पीसेस कर लिया है। और ये पेस्ट है जिसमें थोड़ा सा अदरक, चार से पांच हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया और दो लहसुन का हमने ये पेस्ट बना लिया है। और ये है मैजिक मसाला एक टेबलस्पून, और वो नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया। ये मैजिक मसाला जो दो वाला मैजिक मसाला आता है ना, वो एक टेबलस्पून ले लिया, मतलब एक पैकेट हमने इसमें ले लिया है। इतना ही सामान लगता है हमारे समोसे की स्टफिंग के लिए। तो चलिए, अभी सामान तो ले लिया, अभी स्टफिंग की तैयारी करते हैं हम। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, जिसका पानी सूखते ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, ये देखिए तेल गर्म हो रहा है, तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट बना लिया था, लहसुन अदरक मिर्ची हरा धनिया का जो पेस्ट बना लिया था वो। आप मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची डाल दो, अगर नहीं पसंद है तो कम मिर्ची डालो। अगर बच्चे खाने वाले हो गए तो कम ही डालो, क्योंकि 4 से 5 मिर्ची भी बहुत ही होती है, मतलब ठीक ही होती है 4 से 5 मिर्ची। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरी स्मेल जाने तक, अच्छे से मसाले को भून लेंगे, मसाले की स्मेल जाने तक इसे भूनते रहेंगे हम। ये देखिए हमारा मसाला भुना गया। अब इसमें हम एक एक करके सारी वेजेस डाल देंगे। पहले हम डाल देते फरस भी, फरस भी बहुत अच्छी होती है। और ये वेजेस, वेज नॉन वेज दोनों कॉम्बो, एकदम दोनों मिलाकर हमने बनाए हैं कि बच्चे भी खा सके। बच्चे खा रहे हैं तो सारी वेजिटेबल्स खा लेंगे। अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे, सब वेजेस गई है इसके अंदर। अब गाजर को भी अच्छी तरह से मसालों में सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एक एक करके सब डालते जाएंगे। अब ये गई हमारी शिमला मिर्ची, 3 शिमला मिर्ची हमने इसमें यूज करी है। आप अगर वेजेस की क्वांटिटी को कम करना चाहते हो तो कम करो, हमें ज्यादा बनानी थे, ज्यादा समोसे बनाने थे, इसीलिए हमने ज्यादा लिया है। अब ये चिकन भी डाल देंगे, और सही में गाइस बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम मस्त वाले समोसे बनते हैं ये, बहुत सही लगते हैं। और ये मिनाज मुमानी की रेसिपी है, मेरी जो मुमानी है उनकी रेसिपी है। और उनकी वो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अगर उनकी वो रेसिपीज चाहिए रहेंगी तो कमेंट करो, मैं ज़रूर डालूँगी। अभी चिकन को अच्छे से पकने दे देंगे हम स्टीम पर, धीमी आंच पर ही बनाना है, लो फ्लेम पर ही बनाना है। थोड़ा सा पकने दे देते हैं, ये देखिए अच्छे से सब मसालों में मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो प्याज की भाजी चॉप करके रख दी थी वो डाल देंगे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जैसे मिक्स हो जाएगी वैसे हम इसमें ये गोभी डाल देंगे, पत्ता गोभी,
और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारा लास्ट में जाएगा बिकॉज आलू बॉईल करा हुआ है, तो अगर वो अब भी डाल देंगे तो बहुत ही वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा वो, फिर दिखेगा नहीं, टेस्ट नहीं आ पाएगा उसका, बहुत ही मैश टाइप हो जाएगा, एकदम चिकट चिकट टाइप हो जाएगा, इसीलिए हमें लास्ट में ही डालेंगे हम आलू। गोभी डालने के बाद, गोभी डालने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक अपने हिसाब से डालो आप, आपके टेस्ट हिसाब से, स्वाद अनुसार। और ये जो मैजिक मसाला हमने ले लिया था वो डाल देंगे, ये एक पैकेट है, जो वो दो वाला एक पैकेट आता है ना, वो एक पैकेट हमने पूरा डाल दिया है। लो मैंने इसकी प्राइस भी बोल दी आपको, लेकिन वो टेस्टी लगता है, आप अगर वेजेस वगैरह सब कुछ बना रहे हो उसमें डाल दो एक, तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया जो चॉप करके रख दिया था थोड़ा सा वो, और अभी हम डाल देंगे लास्ट स्टेज पर आकर हम इसमें आलू डाल देंगे, और इसमें ज्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे अभी आलू डालने के बाद, थोड़ा सा सा मिक्स कर लेंगे। आलू बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, मिक्स्ड अप हो जाते हैं, ये देखिए, और फिर वो एकदम ही हम चम्मच घुमाते रहेंगे तो चिकट टाइप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब इसे हम ढक्कन मार के अराउंड 5 to 7 minutes हार्डली इसे हम दम पर ऐसे भाप पर पकने देंगे स्लो आंच पर, देखते हैं हम 7 मिनट बाद इसे खोलकर। ये देखिए हमारा स्टफिंग इज रेडी, स्टफिंग तो हमारी बन गई है, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं गए, ज़्यादा स्पाइसनेस नहीं गई है, ज़्यादा कुछ भी नहीं गया है, कम मसालों में इतनी अच्छा बन चुका है ये। और सारी वेजेस पक चुके, तो चलिए अभी हम समोसे बनाते हैं। ये देखिए ये पट्टियाँ हमने घर में बनाई थी मैदे के आटे की, अगर आप बाहर से परचेस करते हो तो बाहर से भी बना सकते हो, अरे बाहर से भी ला सकते हो और घर में भी बना सकते हो, ये हमने घर में बनाई है। बट अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए रहेगी तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूँगी, मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाला है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बता दो। ये बहुत ही ज़्यादा से सॉफ्ट बनती है, ये देखिए बाहर की भी अच्छी रहती है, लेकिन हम लोग घर की पसंद है तो हम घर में बनाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं कमेंट में बता दो, मैं डाल दूंगी। और देखिए हमारी स्टफिंग भी है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते, गरम गरम नहीं बना सकते, इसीलिए मैं इस पर चम्मच घुमा रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए, गरम गरम डाल देंगे तो समोसे फट जाएंगे। ये जैसे ही ठंडा होएगा हम इसमें समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी समोसे चिपकाने के लिए हमने ये लई बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं सो लई क्या, कुछ तो बोलते हैं स्टिकिंग टाइप, तो ये है मैदे का आटा और पानी को मिक्स करके हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा गाढ़ा टाइप रखा है। तो चलिए समोसा बना के दिखाते हैं, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना एक तरफ से और ये लई लगा देना, स्टिकिंग क्या है वो पता नहीं मुझे जो भी मैदे का बोलते हैं वो। इसमें स्टफिंग डाल देना अपनी, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब जो इसकी पट्टियाँ है बहुत ही सॉफ्ट बनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं इसकी रेसिपी भी आपको बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं। और बहुत ही मस्त छोटे छोटे से समोसे बनते हैं, अगर आप इसको बड़ा भी बनाना चाहोगे तो बड़ा भी बना सकते हो, छोटा बनाना चाहोगे तो छोटा बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से फोल्ड हो गए, हमारा समोसा बन के रेडी हो गया। ऐसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे एक एक करके, ये देखिए बहुत ही मस्त और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं समोसे। एक एक करके हमने ये सारे बना लिए, अभी ऑयल रख देते हैं, तल के भी दिखाएंगे, तलना भी तो पड़ेगा ना ऑयल जैसे गरम हो जाता है डीप फ्राई करेंगे इसे हम, ऑयल जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे, जितनी आपकी कढ़ाई है उतने समोसे डालो आप, जितनी मतलब बड़ी कढ़ाई है उतने समोसे डाल सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी नहीं थी, हमारे सिर्फ अराउंड 7 ही गए लगता है कि 4 से 5 गए हैं।
सब एक एक करके समोसे डाल देंगे, एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते, एकदम क्रिस्पी, क्योंकि ये ना घर में बनी हुई पट्टी है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते। एक एक करके सब पलट के हो गया। तो ये देखिए मेरे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं, वेज एंड नॉन वेज वाले कॉम्बो वाले समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही मस्त, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी समोसे बने थे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। फूड तड़का वीलॉग।